हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा न्यू मॉडल क्वांटम यूरो HDR10 हमारे वीडियोटेक्स ब्रांड का एक नया मॉडल हमने लॉन्च किया है। इसका इंटरफेस, इसके कनेक्शंस के बारे में आज हम आपको बताएंगे, क्या क्या इसमें हम आपको पोर्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या क्या इसके अंदर कनेक्शंस हैं, उनको कैसे यूज़ कर रहे हैं, इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। इस टीवी को पहले मैं ऑन कर देता हूँ। ये हमारा वीडियोटेक्स कंपनी का हमारा ब्रांड का लोगो। सो ये हमारा 4K टीवी, इसको जो हमने ऑन किया तो कुछ इस तरीके से वेलकम टू यूज स्मार्ट टीवी हमारा एक डिस्प्ले हमारा खुल के आया। इसमें स्टार्ट द सेटअप, इसको हमने ओके किया। आगे कुछ सेटिंग्स मांगेगा आपसे, फॉर एग्जांपल सेलेक्ट द लैंग्वेज वी आर यूजिंग। इंग्लिश लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं जो कि जनरली कॉमन लैंग्वेज अभी यहाँ पे सबको समझ में आती है। ओके करके इसको हम आगे बढ़े। अगर आप इसमें कोई इनिशियली कोई वाईफाई इसमें आप ऐड करना चाहते हो जो आपका ऑलरेडी कोई सेव हो या इसमें आप कनेक्ट करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो, ऑप्शन आएंगे। मैं इसको स्किप कर देता हूँ। कनेक्ट द टीवी असिस्टेंट, ओके। टीवी व्यूइंग गाइड, आप किस व्यूइंग गाइड में इस टीवी को देखना चाहते हैं। हमारे ऑप्शन है आईसेफ, व्यूविड, यूजर स्टैंडर्ड। हम आईसेफ इसको यूज करते हैं क्योंकि कस्टमर आईसेफ पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टमर के लिए व्यूइंग के लिए अच्छा होता है। इसको हमने ओके किया। लास्ट में हमारे एक ऑप्शन आता है टीवी व्यूइंग गाइड, आप किस पेज पे आप उसको डिस्प्ले में आप देखना चाहते हैं, जो हमारा आएगा होम पेज ATV AV1 AV2 HDMI1। मैं इसको होम पेज पे क्लिक कर देता हूँ। आप AV पर ATV पे करेंगे, AV1 पे करेंगे तो वो उस पोर्ट पे आपका आके खुलेगा। मैंने होम पेज पे क्लिक किया। ये हमारे इस मॉडल का हमारा ये होम पेज है जिसके अंदर ये हमारे एप्लीकेशंस, हमारे हॉट एप्स करके आपके एप्लीकेशंस दिए हुए हैं। ये हमारी स्क्रीन आएगी, इसके नीचे आपके पोर्ट्स के कनेक्शंस का दिया हुआ है, कौन कौन से पोर्ट्स हैं, HDMI, TV और मोर में जाकर के आप क्लिक करेंगे तो ये सारे हमारे पोर्ट्स खुल के आएंगे। ATV 1, AV 2, HDMI 1, 2 एंड 3। हम इसमें HDMI के 3 पोर्ट्स दे रहे हैं एंड AV के हम 2 पोर्ट्स दे रहे हैं, AV 1 एंड AV 2। इसके अलावा आप लेफ्ट में इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये आपके कुछ एप्लीकेशंस हैं जो इनबिल्ट एप्लीकेशंस हमारे इसके अंदर हैं। ये नेटवर्क, ये मीडिया जो आप USB या SD कार्ड का ऑप्शंस इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। सेटिंग्स, तो इसके अंदर ये ऑप्शंस हैं। अब इनको हम यूज़ कैसे कर रहे हैं, कैसे हैं, ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम इनके पोर्ट्स जो हम इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं उन पोर्ट्स को हम यूज़ कर रहे थे। टीवी, मैं इस टीवी को ओके करता हूँ तो ये ATV है और इसको हम बोल सकते हैं RF फंक्शन जो इसके अंदर हमारा पोर्ट है। जब आप इसमें लगाएंगे तो इसमें नो प्रोग्राम्स, फिर आपसे ऑप्शन में पूछेगा वुड यू लाइक टू स्कैन टीवी प्रोग्राम्स। अगर आपने इसके अंदर RF का ऑप्शन दे रखा है तो आप क्या इसको स्कैन करके चैनल स्कैन करना चाहते हैं। अगर यस तो ओके, अदरवाइज आप कैंसिल करके इसको एग्जिट कर सकते हैं। मैं अभी कैंसिल करके एग्जिट कर देता हूँ क्योंकि इसमें अभी मुझे चैनल स्कैन नहीं करना है। मैं इसमें दूसरा पोर्ट्स का आपको दिखाता हूँ। मैं इसमें सोर्स दबाऊंगा, सोर्स दबाने के बाद मेरे और ऑप्शंस नीचे खुल के आए। सेकंड ऑप्शन AV1, AV1 के अंदर आप देख सकते हैं 3 सर्कल्स दिए हुए हैं, 1 फॉर वीडियो एंड 2 फॉर ऑडियो, लेफ्ट एंड राइट। सिमिलरली इन AV2, जैसा मैंने आपको बताया अभी प्रीवियसली कि AV1 और AV2 हम 2 पोर्ट्स दे रहे हैं। एंड लाइकवाइज HDMI, दैट इज हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस जो हम इसमें फंक्शन दे रहे हैं, उसमें भी हम आपके 3 पोर्ट्स दे रहे हैं, 1, 2 एंड 3। जनरली हम लोग अपने सेट टॉप बॉक्स से HDMI के थ्रू ही कनेक्शंस को देते हैं टीवी के अंदर। HDMI 2, अभी मैंने इसमें HDMI 1 कनेक्ट किया हुआ है तो मैं HDMI 1 ओके करता हूँ इसके अंदर, जो कि मेरा सेट टॉप बॉक्स से कनेक्टेड है। ये मेरा HDMI 1 जो सेट टॉप बॉक्स से कनेक्टेड है, अब ये मेरे उस सिग्नल्स को लेकर के HDMI के वाया मेरे टीवी में इस चीज को दे रहा है। अब ये मेरा HDMI 1 फंक्शन हो गया। सिमिलरली अगर मैं चाहूँ तो इसको स्विच कर सकता हूँ HDMI 2 में, HDMI 3 में। ये हमने 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं अलग, और सपोज आपका HDMI 1 खराब होता है आप HDMI 2 में कनेक्ट कर सकते हैं या पैरेलली आप 2 सेट टॉप बॉक्स लगा के उसको आप स्विच भी कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ बेसिक पोर्ट्स हो गए जो इसमें हमने दिए हुए हैं। अब बढ़ते हैं हम कुछ अपने एडवांस पोर्ट्स की तरफ। उसके लिए मैं इसके होम पेज पे वापस रिटर्न करता हूँ। इसमें अब मैं साइड्स में आता हूँ, मेरे कुछ एप्लीकेशंस हैं उसमें हम बाद में जाएंगे। पहले हम आपको नेटवर्क का फंक्शन दिखा देते हैं।
नेटवर्क के अंदर आपका ये पेज खुल के आएगा, उसमें नेट मोड में आपके दो ऑप्शन दिए हुए हैं, वन इज वायरलेस, अनदर इज वायर नेटवर्क। वायर नेटवर्क बट ऑब्वियस आप इथरनेट या लैन के थ्रू कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं, एंड वायरलेस आप अपने मोबाइल के थ्रू उसको वाईफाई देके हॉटस्पॉट ऑन करके आप इसको यूज कर सकते हैं। जब आप वायरलेस पे जाएंगे तो नीचे एक ऑप्शन आपको आएगा वायरलेस का, इसको आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपसे यहाँ पे ऑप्शन मांगेगा कि क्या आप कोई न्यू नेटवर्क ऐड करना चाहते हैं। अभी अगर करना चाहते हैं तो आप अपना वाईफाई मोबाइल के थ्रू उसको हॉटस्पॉट दे करके आप इसको क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा एक नेटवर्क है, उसको मैं इससे कनेक्ट कर दे रहा हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये मेरा वायरलेस नेटवर्क इसके थ्रू वर्क करेगा। सो ये मेरा मोबाइल का वायरलेस नेटवर्क जो मैंने भी इसमें कनेक्ट कर दिया है। इसको कनेक्टेड होने के बाद मैं एग्जिट करके मैं इसमें अपने मोबाइल के थ्रू इस वायरलेस नेटवर्क को यूज कर सकता हूँ, जो भी मैं फंक्शन चाहूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे जो इसमें एप्लीकेशन जो हम इसमें बाय डिफॉल्ट इसमें प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको, यूट्यूब मैं इसमें क्लिक करता हूँ। अब ये यूट्यूब जो चलेगा वो मेरे मोबाइल के वायरलेस के थ्रू चलेगा। सो ये हमारा यूट्यूब का अभी खुल के आ गया पेज, जो मेरा वायरलेस नेटवर्क मेरे मोबाइल के थ्रू लेकर के अभी चल रहा है। इसमें आपके नीचे ऑप्शंस आ जाएंगे, ऊपर रिकमेंड लेटेस्ट, जो भी आप करना चाहें, जैसे आप नॉर्मल फंक्शन आप यूट्यूब का यूज करते हैं अपने मोबाइल फोन्स में, उसी तरीके का ये आपका टीवी में खुल के आ गया। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई वीडियो प्ले कर देता हूँ, ऐसा नहीं है कि ये ब्राउजिंग हो रही है तो ये कोई टीवी की प्रॉब्लम है या कुछ इसके अंदर नेटवर्क प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने वायरलेस अपने फोन के थ्रू दिया है तो ये टोटली मेरे फोन के नेट की स्पीड पे डिपेंड करेगा। वन मोर थिंग कि जो भी हम वीडियोस प्ले कर रहे हैं जो हमारे नेट की स्पीड की रिक्वायरमेंट है, अगर आप नॉर्मल कोई वीडियो प्ले कर रहे हैं, कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, तो उसके लिए 25 Mbps की स्पीड की रिक्वायरमेंट है। अगर आप स्विच करना चाहते हैं किसी 4K वीडियो को या कोई हाई रेजोल्यूशन वीडियो को मोर देन HD, तो उसके लिए जो हमारी नेट स्पीड की रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम 40 Mbps है। सो ये एक माइंड में आप लोग प्लीज़ रखिएगा कि अगर हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं तो नेट की स्पीड एटलीस्ट हमारी इतनी होनी चाहिए। तो ये मेरा वायरलेस यूज करके इस तरह से हम इसको यूट्यूब का फंक्शन या कोई भी जो एप्लीकेशन से वायरलेस के थ्रू उसकी यूज कर सकते हैं। इसको मैं एग्जिट कर देता हूं भी। ये हो गया मेरा नेट मोड का फंक्शन। इसी में आप नीचे आएंगे तो आपको देख रहे हैं एडवांस, एडवांस में है WLAN एंड हॉटस्पॉट। ये फंक्शन आप इसका हॉटस्पॉट आप अपने मोबाइल में एक नेटवर्क पे आकर के आप कुछ और एप्लीकेशंस यूज कर सकते हैं, उसका मैं आपको बताता हूँ वो एप्लीकेशंस कौन सी हैं और कैसे वर्क करेंगी। आप ऊपर जाएंगे नेटवर्क के ऊपर, ये एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस को आपने ओके किया तो ये जितनी भी ऐप लिस्ट खुल के आई है ये सारे एप्स हम बाय डिफॉल्ट हमारे इस 4K टीवी के अंदर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ये एक नेटफ्लिक्स का फंक्शन है जो मैंने अभी आपको बताया था, नेटवर्क के अंदर आपका हॉटस्पॉट का जो फंक्शन है वो ऑन करके आप इस एप्लीकेशन को आप यूज कर सकते हैं। कैसे, मेरे को उस नेटवर्क पोर्शन में जाना है, एग्जिट करके मैं नेटवर्क में आया, मैंने इस WLAN हॉटस्पॉट को मैंने ओके किया, ये मेरे इस 4K टीवी का, मेरे इस 4K टीवी के हॉटस्पॉट का मेरा नाम है लिविंग रूम टीवी, इसको मैंने ओके किया। ये इसका नीचे सिक्योरिटी, इसके कुछ पासवर्ड हैं वो आपको खुल के नीचे आएंगे, आपको पासवर्ड फीड करना है अपने मोबाइल के अंदर। ये मैंने इस वायरलेस नेटवर्क को यूज करके आपको दिखाया कैसे मैं अपने या आप अपने मोबाइल के थ्रू वाईफाई इस टीवी को दे करके आप इन फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। जैसे अभी यूट्यूब का फंक्शन यूज किया, लाइकवाइज ये नेटफ्लिक्स हमारे इसके अंदर एप्लीकेशन है, Amazon का है, Hotstar का है, सिमिलरली आप इन एप्लीकेशन को भी रन कर सकते हैं। आगे मैं मूव करता हूं, ये आता है हमारा मीडिया, मीडिया मीडिया के अंदर जब इसको आप ओपन करेंगे तो अभी मैंने इसमें अपनी एक USB इसमें
यूएसबी डिवाइस है जो मैंने इसमें लगाई हुई है, उसका सबसे ऊपर इसमें शो करेगा मीडिया सेंटर में इंटरनल शेयर्ड स्टोरेज, जो इस टीवी के अंदर हम आपको जो इंटरनल स्टोरेज जो आपको दे रहे हैं तो वो आपकी खुल के आ जाएगी। आप जैसे ही इसके अंदर कोई एसडी कार्ड या कोई भी आप यूएसबी इसमें कनेक्ट करेंगे उसका ऑप्शन नीचे आ जाएगा, जैसे अभी एचबी V237WA करके मेरे पेन ड्राइव का इसमें ऑप्शन आया। सो इस पेन ड्राइव को अब मैं रन कर सकता हूं, कोई भी मैं सॉन्ग प्ले कर सकता हूं इसमें। ये इस तरीके से मेरा ये यूएसबी का फंक्शन भी मेरा वर्क कर रहा है। यूएसबी के अंदर भी हमने सेम एज ऑडियो वीडियो की तरह हमने इसमें दो पोर्ट दिए हैं, यूएसबी 1 एंड यूएसबी 2। सो जैसे मैंने यूएसबी 1 के अंदर इस फंक्शन को मैं यूज कर रहा हूँ यूएसबी कनेक्ट करके, सिमिलरली मैं यूएसबी 2 के अंदर उसको स्विच करके इस तरह की वीडियोस प्ले करके मैं एंजॉय कर सकता हूँ। इसको मैं एग्जिट करके वापस दोबारा आपके होम पेज पे आ जाता हूँ। उसके नीचे हमारा ऑप्शन है एक सेटिंग्स का। सेटिंग्स में आप जाएंगे तो सिस्टम सेटिंग्स आपको दे रहा है, आप देखना चाहते हैं कि हमारी सिस्टम की इंफॉर्मेशन क्या है, आप उसको क्लिक करेंगे, आपको अबाउट दिस मशीन करके जो जो हमारी इंफॉर्मेशन है आपको दे सकता है, क्या एंड्रॉयड वर्जन हम इसमें यूज कर रहे हैं, प्रोडक्शन का मॉडल क्या है, इंटरनल स्टोरेज कितनी है अवेलेबल और कितनी यूज हो चुकी है, तो इस तरह का कुछ हमारा सिस्टम इंफॉर्मेशन इसमें आ जाएगा। कॉमन के अंदर हमारे लैंग्वेज जो हम इंग्लिश लैंग्वेज, अगर आप कोई और हिंदी वॉट एवर जो हम इसके अंदर प्रोवाइड करा रहे हैं आप उसको यूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये हमारे कुछ कॉमन ऑप्शंस आ गए। टाइम, अगर आप टाइम को इसमें ऑटो अटैच करके या आप टाइम मोड या अपना टाइम फॉर्मेट कुछ भी आप चेंज करना चाहते हैं तो वो हमारा इसके अंदर एक ऑप्शन है। नेटवर्क का, जैसा आपका होम पेज पे हमारा नेटवर्क का एक ऑप्शन था, हमारी सिस्टम सेटिंग्स के अंदर भी हमारा एक नेटवर्क का ऑप्शन है। इसको क्लिक करेंगे तो सेम पेज हमारा खुल के आएगा, वो सेम फंक्शन है जैसा मैंने आपको बताया था पहले भी प्रीवियसली, उस तरीके से आप इसको नेटवर्क टॉक में यूज कर सकते हैं। ये हमारे कुछ फंक्शंस हैं और यही हमारे एप्लीकेशंस हैं। थैंक यू।